फ्रेंड्स, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग का एक पार्ट है। तो दोस्तों, जैसे आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया आईपी यूनिवर्सिटी में, तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद काफी सारे बच्चे नॉट क्वालिफाइड रह जाते हैं, काफी सारे बच्चों का उनका रैंक अलॉट हो जाता है। तो रैंक के बेसिस पे आईपी यूनिवर्सिटी उनको कॉलेजेस अलॉट करता है। जैसा बच्चे का रैंक है वैसा कॉलेज उसको अलॉट होता है, ठीक है। तो जैसे टॉप कॉलेज है तो टॉप रैंक का बच्चा वहां पे जाता है। तो जैसे हम चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, आप एक अपना पार्टिसिपेशन फी पे करोगे ऑनलाइन। पार्टिसिपेशन फी पे करने के बाद उनका पोर्टल चालू हो जाता है। जैसे ही वो चॉइस फिलिंग का पोर्टल चालू करेंगे, तो चॉइस फिलिंग में आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे आप अपना डालोगे अकाउंट पे, तो चॉइस फिलिंग का पेज आपको दिख जाएगा। तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि कोई लिमिट है कॉलेजेस का नाम डालने के लिए। मैक्सिमम आप कॉलेजेस डाल सकते हैं चॉइस फिलिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको 10 कॉलेज है, 5 कॉलेज है। जितने कॉलेज आप डालना चाहते हो उसमें आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके से अपना प्रेफरेंस रखना है कॉलेजेस का। तो कॉलेज का जो प्रेफरेंस रखना है, आप सबसे पहले ऊपर जो कॉलेजेस है उसमें टॉप कॉलेजेस के नाम डालेंगे, टॉप कॉलेजेस डालेंगे। फिर उसके बाद आप डालेंगे जो आपके घर के पास कॉलेज जो पढ़ रहे हैं उनका आप नाम डालेंगे। फिर जो लास्ट में जो कॉलेजेस है जिनमें आपको लगता है कि भाई मेरे को अगर कहीं कॉलेज नहीं मिलता तो मैं इस कॉलेज में जाके पढ़ सकता हूँ, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है। अपने हिसाब से एक दिन निकालिए, कट ऑफ चेक कीजिए लास्ट ईयर का, किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। तो सपोज जैसे कि आपका रैंक काफ़ी नीचे आया है, तो आप क्या करेंगे, टॉप कॉलेजेस तो रखेंगे ही रखेंगे, बट कोई उसका फ़ायदा नहीं है अगर आपने आपको लगता है कि भाई मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है। तो बट आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए टॉप कॉलेज को ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद आप उसी कॉलेज को चूज़ कीजिए जिसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ये मत देखिए कि कॉलेज कितना दूर है या फिर पास है, आपको फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन मिल जाए, सेकंड में भी मिल जाए, थर्ड तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से चलते हैं कि आप अपने रैंक के सूटेबल कोई कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है या फिर लास्ट ईयर उस कॉलेज में इतना कट ऑफ गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने बस कॉलेजेस की एक लिस्ट डाल दी है और मेरे को कोई सा भी कॉलेज मिल जाए। स्मार्टली आपको एक चॉइस बनानी है अपनी, अपने कॉलेजेस को अरेंज करना है। ये आपको सबसे पहले टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैंने बस कॉलेज के नाम देने हैं, तो फिर रैंडमली कंप्यूटर जो भी रैंक आपको मिल रहा होगा उस कॉलेज के अकॉर्डिंग, जिस भी कॉलेज में सीट वैकेंट होगी वो कॉलेज आपको दे दिया जाएगा। सपोज आपका रैंक है 500-600 और आपने कॉलेजेस की लिस्ट डाल दी है, मतलब कोई भी एक कॉलेज का ऊपर नाम डाल दिया और आपका जो पसंद का कॉलेज है टॉप कॉलेज है वो नीचे है, तो जो कॉलेज में सीट वैकेंट होगी वो कॉलेज आपको दे दिया जाएगा सबसे पहले। तो आपको क्या लगेगा कि भाई मैं सेकंड राउंड में वेट करता हूँ, सेकंड राउंड में उस कॉलेज से नीचे जो कॉलेज होगा वो आपको ऑफर किया जाएगा। थर्ड राउंड में भी सेम ऐसे आप अपने पसंद के कॉलेज तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है कि अपना रैंक देखना है, रैंक के बेसिस पे जो कॉलेज आपको सुटेबली मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, उसको अपने प्रेफरेंस में सबसे ऊपर डालना है, ठीक है। और अगर आपका बहुत ही अच्छा रैंक है तो आप चाहते हैं कि मैं टॉप कॉलेज में पढूं, तो टॉप कॉलेजेस को आप ऊपर रखिए। हमने काफ़ी सारी वीडियोज बनाई है टॉप कॉलेज के लिए, वेरियस प्रोग्राम्स के लिए, और काफ़ी सारे कॉलेज के हमने नाम भी बताए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। और दूसरी बात यह है कि कॉलेजेस कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सारे कॉलेज आपके लिए अच्छा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टडी करते हो। आपको अपना देखना है कि भाई मेरा कन्वीनियंटली मेरे को कौन सा कॉलेज पास पड़ रहा है या फिर रैंक के अकॉर्डिंग मेरे को कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो ये तो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। तो बाकी अगर जो आपका डाउट हो रहा है चॉइस फिलिंग के अंदर वो आप हमको पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हम अच्छी तरीके से आपको दिखा पाएंगे जब वो अनेबल हो जाएगा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बहुत ही जल्दी आपको चॉइस फिलिंग करने को मिलने वाली है आईपी यूनिवर्सिटी में। और जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि भाई उनका रैंक इतना ज़्यादा है कि वो चॉइस फिलिंग ना ही करे, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं चॉइस फिलिंग को अटेंड ही ना करूँ, सीधे स्पॉट में जाके बैठ जाऊँ, तो उनको भी थोड़ा स्मार्टली थोड़ा देखना कि क्या पता कॉलेज कोई मिल ही जाए, ठीक है। इन केस अगर आप दूसरा अल्टरनेट चूज करना चाहते हो तो वो मेथड्स भी है हमारे पास एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये तो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। चॉइस फिलिंग में जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उसका 40,000 ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन कॉलेज का जब आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करने के बाद आपको पार्ट अकेडमिक फीस कॉलेज में जाके पे करना है विद द अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज में जो आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, वो आप कॉलेज में लेके जाओगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको लेके जाने हैं, वहाँ पे वेरीफाई कराने हैं, फिर आपको जो पार्ट अकेडमिक फी है वो आपको वहाँ पे करना है। सपोज जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है,
ठीक है, अलॉटमेंट हो गया लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उस कॉलेज की आपको फी पे कर देनी है, उस कॉलेज का ऑप्शन फ्रीज नहीं करना है आपको, आपको नेक्स्ट राउंड में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली दूसरा कॉलेज कोई कंप्यूटर अलॉट कर देगा। अगर वो कॉलेज आपकी पसंद का है तो आप उसको ले सकते हो। अगेन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप थर्ड राउंड में एलिजिबल हो, उसको कर सकते हो। हर राउंड में आपको अलग अलग 40,000 पे नहीं करना होता है, वन टाइम पेमेंट होता है, कॉलेज अलॉटमेंट करने पे ही वो पेमेंट करनी होती है आपको। इन केस अगर आपको लगता है कि भाई फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज था तो वो आपको दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सीट आपने वैकेंट छोड़ दी और वो वैकेंट सीट नेक्स्ट राउंड में किसी को दूसरे स्टूडेंट को मिल गई है वो सीट, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस को रिवर्ट नहीं कर सकते, आप अपने डिसीजन को रिवर्ट नहीं कर सकते अगर आपने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया है तो। जो 40,000 आप पे कर रहे हो दैट इज टोटली रिफंडेबल, आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप थर्ड राउंड तक उस फी पे, अगर आपको लगता है कि मेरे को ये कॉलेज मेरे पसंद का नहीं है या फिर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो 40,000 आप विड्रॉल कर सकते हो, अपना एडमिशन भी आप विड्रॉल कर सकते हो अगर आपने मजबूरी में कोई कॉलेज ले लिया सेकेंड राउंड तक और आप चाहते हो कि मैं उसको विड्रॉ कर लूँ, तो आप उसको भी विड्रॉ कर सकते हो। अगर इन केस आपको कोई कॉलेज मिल गया, आपने वहाँ पे जाके फी पेमेंट कर दिया है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप स्पॉट काउंसलिंग में भी जाके 5,000 का डीडी बना के 2,000 रुपीज़ स्पॉट काउंसलिंग का पार्टिसिपेशन फी देके वहाँ पे अपने आप को कर सकते हो कि मतलब मैं वहाँ पे जाके दूसरा कॉलेज का ऑप्शन देख लूँ। तो ये प्रोसेस है एडमिशन का, काउंसलिंग प्रोसेस का। इन केस अगर आप कन्फ्यूज्ड हो एडमिशन को लेके, अपने रैंक को लेके, और अगर आपका बहुत ज़्यादा रैंक आया है या फिर नॉट क्वालिफाइड भी जो आया है, उनके लिए भी हमारे पास आईपी यूनिवर्सिटी में ही काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो आप चाहो तो उन ऑप्शंस को भी ग्रैब कर सकते हो। सीट्स काफ़ी कम होती है मैनेजमेंट कोटा की, और जो मैनेजमेंट कोटा के अलावा जो डायरेक्ट एडमिशन की जो सीट होती है वो भी काफ़ी कम होती है कॉलेजेस के अंदर। तो आप जितना पॉसिबली हो सकता है जल्दी करेंगे उतना आपको वो सीट मिल जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू आउट द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक स्मार्ट चॉइस लेके चलो, अगर आपको लगता है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा तो गो फॉर डायरेक्ट एडमिशन, गो फॉर मैनेजमेंट कोटा, और इन केस अगर आपको लगता है मेरे को कोई एक कॉलेज मिल सकता है तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए लास्ट तक। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, मैं मैनेजमेंट कोटा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हैं नियर बाय लोकेशन में, और नियर बाय नहीं मिल रहा है तो कोई अच्छा ऑप्शन चूज कीजिए। जरूरी नहीं है कि घर के पास ही आपकी ग्रेजुएशन होनी है या फिर मास्टर्स होनी है, काफ़ी सारे बच्चे आउट ऑफ द स्टेट आके दिल्ली में पढ़ते हैं, तो क्यों ना आप थोड़ा ट्रैवल कर लेंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। बस फैसिलिटीज है हर कोई कॉलेज में, ट्रांसपोर्टेशन है दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चॉइसिस है आपके पास, ठीक है। तो डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मल्टीपल चॉइसिस हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने इस कोर्स में एंट्रेंस दिया था और मेरे को इस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना, मेरे को मेरा चॉइस दूसरा हो गया या फिर मेरे को दूसरे कोर्स में जाना है, तो क्यों ना आप उस कोर्स में जाओ। जरूरी नहीं है कि आईपी से ही पढ़ के उस कोर्स को करना है। सपोज आपने बीबीए का एंट्रेंस दिया है, आपको करना है बीसीए, बट आपने बीसीए का एंट्रेंस आपने नहीं दिया आईपी यूनिवर्सिटी में, तो ये मत सोचिए कि मैं बीबीए में ही जाकर एडमिशन ले लूँ। अपने चॉइस को, अपने डिसीजन को थोड़ा स्ट्रांग करो, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के की जाती है। एजुकेशन भी एक इन्वेस्टमेंट है, आपके पेरेंट्स की एक इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो कोई भी जबरदस्ती का कोई कॉलेज नहीं लेना है आईपी में, ठीक है, तो जबरदस्ती से नहीं लेना, जरूरी नहीं है। आप अगर आपको कोई दिमाग बन रहा है कि मेरा माइंड बन रहा है कि मैं इस कोर्स को ना करूं, ठीक है, तो आप दूसरे कोर्स को प्राइवेट कॉलेज से कर लो। उसके बाद मास्टर्स आप अच्छी जगह से कर लेना, उसमें कोई हार्म नहीं है, दैट इज जस्ट अ एलिजिबिलिटी टू मास्टर्स, ठीक है। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, इनकेस अगर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला या फिर इनकेस अगर आपने वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो आप एक प्राइवेट कॉलेज से कर लो, ठीक है। ग्रेजुएशन अपना प्राइवेट से कर लो, अच्छी जगह से कर लो, ठीक है। उसके बाद आप प्लेसमेंट्स के लिए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उसको स्पेशलाइजेशन करने के लिए आप एक अच्छी जगह से मास्टर्स करो, उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, तो आपको डाउन भी फील नहीं होगा और आप थोड़ा और एक्टिव हो जाओगे उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो ऑप्शन आया है ग्रेजुएशन करने का, उसको आपको बेस्ट करना है, चाहे कहीं पे भी आया हो, दूर आया हो, पास आया हो, आपको बेस्ट करना है। बेस्ट करोगे, क्योंकि आपने अभी 12th करा था तो आपको पता चल गया होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कितना ज़्यादा मैटर करता है। आपके 80% 90% कभी कभी मैटर नहीं करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। हर एक का एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 50% है किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का 50 है, किसी का 60 है, तो वो 60-50 एफिशिएंट है,
और उसके ऊपर आप जो लेके आते हैं वो आपकी एक एबिलिटी है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉम्पिटिशन की ही तरह लेना है, एक कॉम्पिटिशन, उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है, तभी आप जाके आगे एक बेटर इंस्टीट्यूशन ले पाओगे। हर एक कॉलेज को बेस्ट चाहिए, हर एक बच्चे को बेस्ट चाहिए, तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, एक अच्छा एक ऑप्शन आप चूज करें। आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है ऑप्शन चूज करने में, या फिर आपको कोई कोर्स को लेके कोई कन्फ्यूजन है, या फिर आपको लगता है कि मेरे को इस कोर्स में नहीं आना, क्या मेरे को दूसरे कोर्स में जाना चाहिए, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा डीपली जाना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी टाइम नहीं हो पाता है कॉन्टैक्ट, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू आर अपॉइंटमेंट नंबर हमने दिया हुआ है नीचे। आप व्हाट्सएप को अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हो, हमारा कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी डाल सकते हो, और जो भी आपका मैक्सिमम क्वेरी होगा हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने का। साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स के बीच में मैक्सिमम नॉलेज दे सके एडमिशन प्रोसेस को लेके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।